सर ये एक्सटेंशन है इसको देखा सबको जो जो भी इनका सर आप यहाँ पर ट्रीटमेंट देते हो जी सर ट्रीटमेंट देते हैं और ये काउंसलिंग करती हैं हमारे काउंसलर ये एडिक्शन का दूसरा होगा ट्रीटमेंट का तीसरा होगा डिटेक्शन के बाद एक रिहेबिलिटेशन सेशन देखिए पहले आपके पास कोई आया आपको लगा कि कोई इसकी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं सिर्फ काउंसलिंग की जरूरत है तो काउंसलिंग करके आप उसको रीनवे करेंगे इससे ताकि छूट जाए और जो आपको लगेगा ट्रीटमेंट की जरूरत है उसको ट्रीटमेंट देंगे और फिर अगर डिटेक्ट हो जाएगा तो फिर उसके लिए एक रिहेबिलिटेशन होनी चाहिए तो इसीलिए हमने किया आपको मौजूद प्रोग्राम में एक हम रिहेबिलिटेशन सेंटर यहाँ बनवाएंगे उनके लिए जो डिटेक्शन हो गई लेकिन फिर भी उनको वापस क्लेम समाज के लिए वापस लेकिन बट ये मुझे लगता है कि ये जैसे और जैसे सेंसिटिव जो एक ना दीवार इसके लिए ये स्पेस नहीं बिकॉज पीपल हु कम टू दिस प्लेस पहले देखेंगे सब देखेंगे ये जा रहा है ये जा रहा है और मेरा ये प्रोग्राम है मैंने 10 लाख रुपए का अपने एमपीलैड से यहाँ डी साहब को एक एश्योरेंस किया है कि वो अमाउंट दूंगा रिहेबिलिटेशन सेंटर के लिए ताकि जो ड्रग एडिक्स हैं और जो डिडिक्शन में निकल आते हैं तो उनकी रिहेबिलिटेशन का एक खातिर खा उन्हें ये हमगीर एक मुहिम है ड्रग के खिलाफ तो उसमें उसको तकलीफ मिलेगी ठीक है ना। ये मालूम हुआ कि 5 यहाँ पर यूनिट्स है डायलिसिस के जो काम कर रहे हैं 2 शिफ्ट में काम कर रहे हैं बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है और चाहिए यहाँ और भी डायलिसिस के 2 या 2 से ज़्यादा मशीन्स और मेरा मेरी कोशिश होगी आने वाले दिनों में कि जो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं उनसे एलजी साहब से जो भी मुलाकात होगी तो मेरी कोशिश होगी यहाँ पर और इजाफी 2 यूनिट या 2 से ज़्यादा यूनिट यहाँ और हो जाए ताकि लोगों को यहाँ राहत मिले। बात बड़ी अच्छी बात है कि जो यहाँ पर हर रोज़ जो यहाँ पर जो मरीज़ हैं जिनको यहाँ ट्रीटमेंट की ज़रूरत है वो यहाँ पर आते हैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल का रुख करने के बजाय उसका मतलब है एतमाद बढ़ गया है आवाम का जो सहतमा है इस हॉस्पिटल पर और इसके साथ जो भी स्टाफ यहाँ पर है। अब हमारी दिक्कतें हेल्थ केयर सिस्टम को वो है मैन पावर क्राइसिस वो मैन पावर क्राइसिस सिर्फ यहाँ भी नहीं हो बल्कि वो सारी जम्मू कश्मीर में है तो उसमें तो मुझे लगता है कि कोशिश की जा रही है कि और ज़्यादा डॉक्टर साहब बन आ जाएँ और ज़्यादा जो हमारा पैरामेडिकल स्टाफ आ जाए उसकी रिक्रूट हो जाए आने दिनों में आने वाले दिनों में मुझे लगता है और भी जहाँ पर सर बेहतर मुश्किल यहाँ पर क्या शोभा है कि आपसे पहले ही कहना है कि एक क्राइसिस एक है मैन पावर क्राइसिस और कोशिशें हो रही कि वो ऑगमेंट हो जाए उसका हम जो रिक्रूटमेंट है उसमें वो नई रिक्रूटमेंट हो जाए और नई डॉक्टर साहब आ जाए तो ये आपने जो निशानदेही की है मैं इसके बारे में भी कोशिश करूँगा कि एंटी डॉक्टर साहब भी क्या होना चाहिए।